अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो ऑटो क्लोजिंग एप्लीकेशन की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन मिनिमाइज़ कर दिया और आपका एप्लीकेशन दोबारा से आप उसको चलाते हैं तो वो रीस्टार्ट हो जाता है, बैकग्राउंड के अंदर वर्क नहीं करता। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, लेकिन उनके अंदर वो बैकग्राउंड लिमिट वगैरह ये वो सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल अलग तरीके से बताऊँगा। और जो इसने 12th वर्ज़न के अंदर जो अपडेट निकाला है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसको किस तरीके से फिक्स करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है ज़फ़र शेख और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़फ़र शेख। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें बैटरी परफॉर्मेंस के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, ऐप बैटरी सेवर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों, आपको ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारे एप्लीकेशनों के अंदर अलग अलग सिस्टम दिया है, आपको यहाँ पे कोई टर्न ऑन ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के अंदर रन करवाना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक कर। अब यहाँ पे दोस्तों, ये सारी चीज़ सेटिंग्स पहले से ऑलरेडी सारी एप्लीकेशन पे हो रखी है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए बैटरी सेवर रिकमेंडेड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है और ये जो मी यू वर्जन है इस पर क्लिक करना है, 7 टाइप। उसके बाद आपको बैग आए हैं। बैग आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके बाद सबसे नीचे जाना है, आपको बिल्कुल नीचे जाना है आपको, और यहाँ पे टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन, इसको आपको ये इनेबल होगा, इसको टर्न ऑफ करना है। यहाँ पे वार्निंग आएगी तो आपको इसके बाद आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है जो उसी को भी आप कर सकते हो, शायद वो तो पहले भी किसी यूट्यूबर ने बताई हो, ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का, ये वाली भी आपको सेट कर लेनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली ऐसी ही टेक वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड, टेक केयर।